तो इसको आप VN13+ मॉडल जो है इसमें 13 भी आता है 12 भी आता है वो मत लो, वो थोड़ा उसका बैटरी का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने भी लिया था उसको रिप्लेस किया। ये आपका चार्जर है, ठीक है, ये एक गन मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से भी आप इनपुट कर सकते हो और यहाँ का स्प्रे आएगा। ये आपका बैटरी पावर्ड फर्टिलाइजर स्प्रेयर या पेस्टिसाइड स्प्रे जो भी बोलो, ठीक है, आपको एक मैनुअल मिलेगा, ठीक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, ये मेरे लिए काम कर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मेन ये है कि यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, बैक सपोर्ट, ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको पेन ज़्यादा नहीं होगा, बैक पेन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एम्प्टी है, आप कुछ फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का जो मतलब आपका लिक्विड होता है वो आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, तो ये सील हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका पानी जाएगा, ये पहले एक स्मॉल फिल्टर दिया है उन्होंने, ठीक है, इसको हम लोग साइड रखते हैं, ठीक है, ये कैप है उसका। तो इसके साथ आपको और एक ये मिलेगा, ठीक है, गन मिलेगा, तो इसको आप एक्सटेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। एक पाइप मिलेगा, ये पाइप इस गन को कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मैं कनेक्ट करके बाद में दिखाऊंगा आपको। एक बेल्ट मिलेगा, ठीक है, आप इसको बैक साइड लगा सकते हो। एक थोड़ा सा उसका जो मतलब क्या बोलते हैं स्प्रेइंग का डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सा आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्रे करने का। एक ड्यूअल ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ड्यूअल स्प्रे होगा, इसको आप आगे लगाओगे, ठीक है, ये नोजल है उसको। एक सिंगल स्प्रे मिलेगा, इसमें चार ये होगा होल्स रहेंगे, तो इसको भी लगा के आप कर सकते हो स्प्रे, ठीक है, ये तो ये कनेक्टर है, और एक वाइसर और ये जो भी छोटा छोटा सामान है, तो इसको एक इसी पैकेट में रखो, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक मेन है, तो ये क्या करेगा, ये बड़ा सा ये आएगा स्प्रेयर आएगा, तो इसमें 5 होल रहेंगे और इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करके स्प्रे करेगा, ठीक है, तो इसको आप सामने भी लगा सकते हो, ठीक है, कौन सा यूज़ करना है इसमें और इसमें आप डिसाइड कर सकते हो जब स्प्रेइंग का टाइम आता है। बेल्ट है, ये दूसरा साइड का बेल्ट है, ठीक है, और क्या है इसमें लास्ट एक गन मिलेगा, इसे आप प्रेशर रिलीज वगैरह सब कुछ इससे कंट्रोल होगा, ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं खास, ठीक है। यहाँ पर ये सारे क्या लगेंगे आपका, ये जो भी स्प्रेयर्स है यहाँ से लगेंगे, ठीक है, ये वहाँ पर वोल्टेज अगर पावर बैकअप का दिया है, ठीक है, और यहाँ से आपका जो चार्जिंग होगा यहाँ से चार्जिंग करेंगे आप, ठीक है, इसका बैटरी बैकअप है, आप एक बार चार्जिंग करने के बाद ऑलमोस्ट 2 acres to 3 acres में आप स्प्रे कर सकते हो, ठीक है, एक टाइम पे, तो मतलब आपका मिनिमम 7 से 8 घंटा चलेगा एक टाइम स्प्रे मतलब चार्ज करने के बाद। तो एक सिंगल है, ठीक है, और ये डबल है, सिंगल पावर दिया तो आप मतलब स्प्रे अच्छा से होगा, अगर आपको ज़्यादा स्प्रे करना है मतलब मान लो कि आप कुछ टूर वगैरह लगाए हो तो ज़्यादा स्प्रे करना है तो आप डबल बटन यूज़ कर सकते हो, तब क्या होगा मतलब ज़्यादा से स्प्रे होगा, अगर वो सिंगल करना है तो सिंगल करो, ठीक है। बाकी नीचे यहाँ पर बैटरी रहेगा, अगर कुछ रिप्लेसमेंट का सीन आता है तो यहाँ से रिमूव करके यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो बैटरी वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सेटअप, ये जो मॉडल है इसको VN13 बोलते हैं, ठीक है, ये नेपट्यून का है मॉडल, और ये मतलब जो भी जितना भी ब्रांड्स है इंडिया में, ठीक है, अवेलेबल है बैटरी पावर्ड जो भी है उसमें ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा प्राइस ज़्यादा है इसको इसका कंपेयर टू अदर्स, लेकिन इसका जो बैटरी बैकअप है और स्प्रेइंग कैपेसिटी है और जो क्वालिटी आता है ना ये मतलब बढ़िया सा है,
तो इसको आप VN13+ मॉडल जो है, इसमें 13 भी आता है 12 भी आता है वो मत लो, वो थोड़ा उसका बैटरी का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने भी लिया था उसको रिप्लेस किया मैंने, तो 13+ ही लेना पड़ेगा आपको, जिसका लॉन्ग लाइफ बैटरी है और पावर सेविंग का भी ऑप्शन दिया है, तो ये बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है, iOS सर्टिफाइड भी है। देखो ये बेल्ट ऐसे लगता है, ठीक है, ऊपर का आपका बेल्ट यहाँ पर ऐसे लगाना है, इसके अंदर जाकर यहाँ पर आएगा सेम यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर एक नोजल दिया तो ये यहाँ से यहाँ पर फिट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको अभी आप बैक में ले सकते हो, ठीक है, और पाइप का जो है एक पाइप यहाँ पर कनेक्ट हो गया आपका, ठीक है, मेन आ जाएगा तो, और इसके बाद यहाँ पर गन का गन को रन करो, और उसके बाद एक गन है, ठीक है, इसको प्रेस किया तो अभी रिलीज हो जाएगा, ठीक है, हम लोग पानी डालकर देखते हैं कि कैसे स्प्रे होगा। यहाँ पर फिल्टर है, ठीक है, इसके अंदर ही मैं पानी डालता हूँ अभी, ठीक है, ये 25 लीटर का कैन लिया हूँ मैं, थोड़ा सा भरा है, थोड़ा सा अभी नहीं भरा, फिर भी ये पूरा पानी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। देखो पूरा पानी इसमें चला गया, ठीक है, तो ये फिल्टर यहाँ पर देखो यहाँ तक लेवल है, तो ऑलमोस्ट मतलब 18 लीटर कैपेसिटी ऑलरेडी फिल हो चुका है, 16 लीटर का आया इसे। अभी हम लोग स्प्रे करके देखेंगे कहाँ पर स्प्रे करेंगे। देखो यहाँ पर पावर बटन दिया है, इसको हम मैं अभी प्रेस करता हूँ, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा लीक है, मैं बंद करता हूँ अभी, तो यहाँ पर जो है ना लीक हो रहा है, तो इसको बहुत ही टाइट से आपको करना पड़ेगा। वैसे दिया है, वैसे मैं वैसे अभी डाला नहीं हूँ, बाद में मैं वैसे डालूंगा, अभी डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से टाइट करना पड़ेगा वैसे डालकर, तब लीकेज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, अब हो गया रेडी। देखो ये स्प्रे हो रहा है, अच्छे से स्प्रे होता है, यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, देखो इसी तरह अभी मैं डबल बटन प्रेस करूंगा, आप ऐसे इसको स्पीड को देखते रहो, इसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा, ठीक है, अगर डबल पावर किया तो देख रहे हो कितना प्रेशर था रहा। मैं और एक बार डेमो दिखा देता हूँ, ये सिंगल है, ये डबल है, ठीक है, मैं नीचे दिखाता हूँ तब आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा, यहाँ देखो ये सिंगल है, ठीक है, ये डबल है, यहाँ पर देखो सिंगल है, ये डबल है, वहाँ तक जा सकता है, मतलब आराम से इतना एरिया कवर सकते हो, अराउंड 4 to 5 feet तक आप आराम से कवर कर सकते हो स्प्रेइंग करने के टाइम पे। अभी एक प्लांट को मैं मार्कर दिखाऊंगा, आओ देखो, यहाँ पर आप खड़ा रहोगे, ठीक है, बीच में, तो आप इसी प्लांट को भी कर सकते हो पानी, और इसको भी दे सकते हो, ठीक है, आराम से दे सकते हो, अगर डबल प्रेशर किया तो और ज़्यादा जोर से आएगा, तो आराम से जाएगा, आराम से जाएगा, देखो पूरा मतलब स्प्रे हो गया, उस प्लांट को देखो अभी, तो इतना स्प्रे किया हूँ मैं, पूरा अभी स्प्रे हो चुका है सब कुछ, ठीक है, एक सेकंड में देखो कितना हो सकता है स्प्रे, 1 2 3 4 5 बस ख़त्म, पूरा स्प्रे हो चुका है, उसको देखो, वो प्लांट को देखो अभी, पूरा स्प्रे हो चुका है, तो आसानी से आप खुद का सेटअप बना लिया, अब आपको किसी दूसरे को पैसे देने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्लांट्स को आराम से अपने हिसाब से अभी स्प्रे कर सकते हो, ठीक है, ये छोटा सा सेटअप है, आप कर सकते हो अगर प्लांटेशन वगैरह किए या मतलब नॉर्मल एग्रीकल्चर भी करते हो तो इसको यूटिलाइज कर सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच।